नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशंस आपको मिलता रहे। आज मैं आपको कोरल ड्रॉ के अंदर वे भी सर्कल कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, सर्कल से अगर आपको वे भी सर्कल बनाना है तो एडोबी इलस्ट्रेटर में बहुत इजीली आप बना सकते हैं। अगर आप कोरल ड्रॉ के अंदर अगर सर्कल के साथ डायरेक्टली आप वेवी सर्कल बनाएंगे तो सर्कल से नहीं बनेगा, एक और शेप है उसके माध्यम से आप वेवी सर्कल कोरल ड्रॉ के अंदर बना सकते हैं। तो आप एडोबी इलस्ट्रेटर अगर आपको नहीं पता है लेकिन आपको कोरल ड्रॉ में ही बनाना है तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सबसे सिंपल और आसान तरीके से आप कैसे इस तरह का वेवी सर्कल से बनाएंगे। और आप कोरल ड्रॉ का कोई सा भी वर्सन हो, चाहे वो कोरल ड्रॉ का पुराना वर्सन हो, कोरल ड्रॉ 11 हो, 12 हो, या कोरल ड्रॉ X5, X3, X7 या लेटेस्ट वर्सन हो, किसी में भी आप कर सकते हैं। सिर्फ आपको तरीका और प्रोसेस पता होना चाहिए। तो ये जो वेवी सर्कल है इसको मैं थोड़ा सा साइड रख देता हूँ और इस सर्कल को भी मैं साइड में रख देता हूँ। तो सर्कल से डायरेक्टली आपका ये वेवी सर्कल नहीं बनेगा, एक और शेप से आप कोरल ड्रॉ के अंदर बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो यहाँ मैं टूल बॉक्स में जाता हूँ और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे पॉलीगन शेप है, पॉलीगन टूल है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद ऊपर देखिएगा पॉलीगन का यहाँ पे प्रॉपर्टी बार आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए एक पॉलीगन से ही हम लोग स्टार वगैरह बनाते हैं और यहाँ पे मैंने जो लिया है यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट जो पॉलीगन का वो 10 रखा है, 10, 11, 12 जितना रखना है रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे लेने के बाद इससे बढ़ा सकते हैं, इसे घटा सकते हैं। तो इस तरह मैं एक पॉलीगन इस तरह का शेप 10 साइड का इस तरह का बना लिया पॉलीगन शेप। बहुत बार ऐसा होता है कि आप पॉलीगन शेप बनाने का कोशिश करते हैं तो पॉलीगन शेप यहाँ से स्टार बन जाता है। तो अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है तो बेस्ट यही है, इस पॉलीगन टूल पे डबल क्लिक कीजिएगा तो क्या होगा, ऑप्शन खुल जाएगा इस तरह का पॉलीगन टूल का। यहाँ से पॉलीगन स्टार एज स्टार दिया हुआ है, आपको पॉलीगन का रेडियो बटन ऑन कर देना है और यहाँ से भी आप ले सकते हैं। उसके बाद ओके पे आपको क्लिक कर देना होगा, उसके बाद इस तरह ड्रैग कीजिएगा, पॉलीगन शेप आपका बन जाएगा अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो। अब यहाँ पे पॉलीगन शेप हम लोगों ने ले लिया, बना लिया है। अब आपको क्या करना है, ये जो आउटलाइन है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आउटलाइन इसको थोड़ा सा और ठीक कर देते हैं। यहाँ से इसका साइज वगैरह पर जैसे यहाँ पे 8 पॉइंट ले लिया, देख सकते हैं यहाँ से 8 पॉइंट मैंने ले लिया। लेने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये देख सकते हैं यहाँ पर ये जो टूल है शेप टूल, इस पर क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद देखिएगा आपका जो पॉलीगन शेप है कुछ इस तरह आपको नज़र आएगा। अब एक किसी भी एक पॉइंट पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर जो ऊपर का पॉइंट है ऊपर वाला, अगर मैं इसको क्लिक करके इस तरह ड्रैग करता हूँ तो देखिए ये स्टार बन जा रहा है इस तरह। लेकिन हमें नीचे की तरफ नहीं ड्रैग करना है, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ इस तरह ड्रैग करना है, इस तरह देखिएगा। तो नुकीला ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा कीजिएगा तो इस तरह का आपका शेप बन जाएगा, देखिए इस तरह का बन जाएगा। लेकिन ये कॉर्नर पोर्शन अगर ध्यान से आप देखिएगा तो अभी भी नुकीला पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसको कैसे करेंगे, ये करने के बाद जैसे नीचे नहीं खींचना है आपको, ऊपर इस तरह खींच देना है, याद रखिएगा इस तरह आपको ऊपर खींचना है, याद रखिए ऊपर की तरफ। करने के बाद जैसे ही आप शेप टूल पे क्लिक करेंगे, इस तरह ड्रैग करेंगे तो शेप टूल का प्रॉपर्टी बार यहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है कन्वर्ट लाइन टू कर्व, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद उसके बाद ये बाकी जो दो ऑप्शन है ये ऑन हो जाएगा। अब ये वाला देखिए मेक नोड स्मूथ, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका जो नोड पॉइंट जो रहेगा वो स्मूथ बन जाएगा, देख सकते हैं इस तरह वेवी टाइप का स्मूथ बन जाएगा। इसको आप अगर इधर ड्रैग करेंगे तो कुछ इस तरह आपको नजर आएगा, इस तरह कीजिएगा तो इस तरह आपको वेवी नुमा इस तरह आपको शेप बन जाएगा, देख सकते हैं वेवी सर्कल बन जाएगा। उसके बाद इस पर अगर आप क्लिक कर देते हैं, ये देखिए इस तरह का वेवी सर्कल आपका बन के तैयार हो गया है, देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे बनाया मैंने। आपको क्या करना है, कोरल ड्रॉ का कोई सा भी वर्सन हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे चले जाइए। डायरेक्ट सर्कल से नहीं बनेगा लेकिन एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर सर्कल से बन सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा दिक्कत है। तो इसके लिए आपको पॉलीगन टूल का यूज़ करना होगा, पॉलीगन टूल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो पॉइंट है 8, 9 जो भी आपको लेना है, कम भी ले सकते हैं, मैंने 8 ले लिया है यहाँ पे, और ये वाला पॉलीगन के लिए है। उसके बाद इस तरह आपको ड्रैग कर देना है, ये देखिए मैं इस तरह ड्रैग कर दिया। ड्रैग करने के बाद देखिए ये पॉलीगन 8 पॉइंट का यहाँ पे देखिए पॉलीगन बन गया। उसके बाद इसका थोड़ा सा आउटलाइन को हम लोग ठीक कर देंगे, यहाँ से मैं 8 कर दिया, 8 पॉइंट कर दिया, देख सकते हैं हो गया। करने के बाद आपको क्या करना है, जब ये आपने इसने ठीक कर दिया उसके बाद टूल बॉक्स में जाइएगा और यहाँ पे देखिएगा शेप टूल, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पे देखिए पॉइंट आपको दिखाई देगा, हर कॉर्नर पे एक पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है। किसी भी एक पॉइंट पे ऊपर वाला पे क्लिक किया मैंने,
क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव टूल का यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी बार दिखेगा, इस पर आपको कन्वर्ट लाइन टू कप पे आपको क्लिक करना है, याद रखिएगा इस पर क्लिक करना है। आप पहले इसको इस तरह ड्रैग कर लीजिए, देखिए इस तरह ड्रैग कीजिएगा तो इस तरह स्टार बनेगा, थोड़ा सा ऊपर इस तरह ले जाइए, करने के बाद यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिएगा, ऊपर की तरफ पहले ड्रैग कर लीजिएगा, नीचे की तरफ नहीं ऊपर की तरफ ड्रैग कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे कन्वर्ट लाइन टू कप पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए बाकी जो दो ऑप्शन है एक्टिवेट हो जाएगा, मेक नोड स्मूथ पे क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पे ओवी सर्कल ये बन के आपका तैयार हो गया, देख सकते हैं। उसके बाद इस पर क्लिक कर दीजिए, ये देखिए ओवी सर्कल आपका देख सकते हैं ये बन के तैयार हो गया। तो कोरल ड्रॉ के अंदर ईजिली आप इस तरह का शेप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरह आपको सील वगैरह बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं, इसको आप चाहें तो कलर भी कर सकते हैं। यहाँ राइट हैंड साइड में अगर आउटलाइन को कलर करना राइट क्लिक कर दीजिए, देखिए बन गया। यहाँ से कलर करना है कलर कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख सकते हैं बन गया है। तो इस तरह कोरल ड्रॉ के अंदर किसी भी वर्सन के अंदर वे भी सर्कल इस तरह बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। और भी कुछ जानना है कोरल ड्रॉ से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।